जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल सक्सेस में। दोस्तों, दुश्मन के नाश के लिए तत्काल काम में लेने वाला, अर्थात दुश्मन के नाश के लिए तत्काल काम में आने वाला यह मंत्र और यह टोटका आपने दिख कर लिया तो आपके जीवन में से जो दुश्मन आपको बहुत ज़्यादा आर्थिक परेशानी पहुँचा रहा था वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों की आपके ऊपर जो टोटका जिसने भी करवा रखा है उस टोटके का तो अंत हो गई, साथ में दोस्तों उस शत्रु का भी सर्वनाश हो जाएगा जो आपके ऊपर कुछ किया कराया करवा रहा है। दोस्तों, भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि यदि कोई हमसे उलझता है और यदि हमसे कोई जबरदस्ती हम पर क्रोधित होकर के और हम पर ईर्ष्या करके हमारे ऊपर कुछ भी करवाता है या कुछ किया कराया करवा देता है या हमें हानि पहुंचाता है तो दोस्तों उसे भी हानि पहुंचाई जानी चाहिए। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण को याद रखते हुए और गीता को याद रखते हुए हमें भी उसी तरह से अपनी स्वयं की आत्मरक्षा के लिए हमें हमारी रक्षा के लिए उस शत्रु का सर्वनाश करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये तत्काल प्रभाव देने वाला ऐसा जबरदस्त चमत्कारिक टोटका है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। उस वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बागेश्वर धाम बालाजी की सरकार की कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए होगी। मैं बालाजी सरकार से विनती करूंगा कि आपकी हर मनोकामना इस उपाय के बाद पूर्ण हो, लाइक करने के बाद पूर्ण हो। तो दोस्तों, आप जरूर वीडियो को लाइक करें, साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। दोस्तों, बाबा काल भैरव को तो आप जानते ही होंगे। बाबा काल भैरव जो होते हैं वो दुश्मन को नष्ट करने वाले होते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति को सुधारने वाले होते हैं, सभी दुखों का सर्वनाश करने वाले होते हैं, सभी बाधाओं से मुक्ति प्राप्त करवाने वाले होते हैं, साथ ही साथ हमारे जीवन में परिवार में सुख शांति प्रदान करने वाले होते हैं। तो दोस्तों, कलयुग में भगवान काल भैरव का मंत्र का उच्चारण करने से, उनकी पाठ पूजा करने से तत्काल प्रभाव मिलता है। साधकों, जल्द ही भगवान काल भैरव खुश हो जाते हैं। भक्तों, अगर आपका शत्रु बिना वजह आपको परेशान करता है, शत्रु बिना कारण ही आपके घर में, आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं पैदा करता है और आपका आपके जीवन में वैसे ही बहुत सारी समस्याएं रही है, तो आपका शत्रु आपके बहुमूल्य चीजों को हड़पना चाहता है या हड़प चुका है, तो दोस्तों जैसे कि मान लीजिए आपका प्लाट हो गया, अब वो प्लाट पर आपकी उसकी नजर है, यानी प्लाट तो आपका है, नजर उसकी है और कोर्ट कचहरी का चक्कर लग चुका है, तो दोस्तों बहुत सी बात क्या होता है कि प्लॉट पर कब्जा कर लिया जाता है दुश्मन के द्वारा। तो इस तरह के दुश्मनों को कैसे भगाया जाए, किस तरह से बहुमूल्य चीजों से हड़पने से हमें बचाया जाए। दोस्तों, क्या होता है कि हमारी बहुत सारी बहुमूल्य चीजें होती हैं, अब उनको भी वो हड़प चुका है या हड़पना चाहता है, आपके कारोबार में रुकावटें आ रही है, शत्रु ने आपका जीना हराम कर दिया है, आपका शत्रु जादू टोने टोट के द्वारा आपको आहत पहुंचाना चाहता है, तो शत्रु आपके प्राणों की आहुति भी लेना चाहता है। यदि आपकी जान का दुश्मन शत्रु बन गया है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है भक्तों, अब चिंता मुक्त होकर सच्ची श्रद्धा से आप भगवान काल भैरव का ध्यान लगाते हुए भगवान काल भैरव का भैरव मंत्र विधि कर लेंगे तो दोस्तों घर बैठे आपके शत्रु की समस्या का जो समाधान है आपको मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार आपको घर बैठे भगवान काल भैरव का मंत्र विधि करनी है और भैरव मंत्र विधि करने के लिए दोस्तों आपको क्या क्या सामान चाहिए, किस किस चीजों की जरूरत वहां पर पड़ेगी, किन किन सामानों की वहां पर जरूरत पड़ेगी वो भी हम देखते हैं और किस दिन इस उपाय को किया जाना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो इस उपाय को या इस टोटके को करने के लिए, इस क्रिया को करने के लिए आपको किसी भी दिन का चुनाव करना पड़ सकता है, कोई भी दिन, आप जो भी दिन चुनेंगे उसी दिन आप इस क्रिया को कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसकी खास जो क्रिया होती है वो शनिवार या मंगलवार के दिन होती है। आप रविवार के दिन भैरव जी का वार होता है तो रविवार का दिन भी आप इसके लिए चुन सकते हैं, लेकिन दोस्तों यदि आपको ज़्यादा इमरजेंसी है, आप ज़्यादा परेशानी में हैं, शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, शत्रु सामने आकर के आपसे लड़ते हैं, शत्रु आपका सब कुछ छीन लेना चाहते हैं, यदि मान लीजिए जो पड़ोसी हैं वो भी आपके शत्रु बन चुके हैं, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर देखा गया है कि शत्रु पड़ोसी ही होते हैं, अब जो पड़ोसी हैं वो आपके शत्रु बन चुके हैं, आप जाते हैं आते हैं, आपको रोकते हैं टोकते हैं, आपको गालियां देते हैं, इस तरह के भी शत्रु होते हैं दोस्तों, इस तरह के पड़ोसी जो हैं वो भी शत्रु होते हैं, पड़ोसी आपसे लड़े झगड़े करते हैं, तो दोस्तों इस तरह के लोगों को, इस तरह के शत्रुओं को नष्ट करने का यह आज उपाय होने जा रहा है। साथ ही में दोस्तों जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपको मित्र बनकर बैठे हैं, जो आपके घर में आते जाते रहते हैं लेकिन वो आपके पीछे से शत्रु हैं, दोस्तों ऐसे लोगों का भी बिल्कुल आपको ध्यान रखना चाहिए, ऐसे लोगों के द्वारा कभी भी आपको कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, कोई यदि वो चीज़ ले आता है, कोई मिठाई ले आता है, कोई कुछ भी ले आता है तो दोस्तों उसमें तांत्रिक द्वारा दी गई भभूत से आपकी जिंदगी नरक बन सकती है, इसलिए इस तरह के लोगों से कुछ भी तरह की मिठाई या किसी भी तरह की चीज, कचोरी समोसा कुछ भी नहीं खाना आपको, ये आपको विशेष ध्यान रखना है, अन्यथा आपका बहुत बुरा हो सकता है। दोस्तों जैसे कि मान लीजिए आप नौकरी करते हैं, अब नौकरी में भी बहुत से लोग क्या होते हैं कि जैसे कि आपने उसने नौकरी करी,
नौकरी वो कर रहा है लेकिन सामने वाले का पेट दुख रहा है। तो दोस्तों अब ये नौकरी सामने वाला कर रहा है लेकिन उस दुश्मन का जो वहां पर है वो आपको नीचा दिखाना चाहता है अपने बॉस के सामने, तो दोस्तों वो भी आपका शत्रु है, तो उससे भी बच करके रहिएगा। उससे भी कुछ भी खाने पीने की चीज कभी भी मत ले लीजिएगा। अब दोस्तों मैं उपाय बताने जा रहा हूं, आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि अब उपाय स्टार्ट होने जा रहा है, इसलिए आप इसको कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं। किस तरह से इस उपाय को करना है वो भी आपको करना है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मंत्र भी दे दूंगा। आप लोग बोल रहे थे कि डिस्क्रिप्शन में गुरुजी मंत्र दिया करो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। और आपको यदि मंत्र चाहिए दोस्तों, इसका मंत्र जैसे कि मैंने आज जो उपाय बताया उसका जो मंत्र चाहिए वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों टेलीग्राम चैनल। तो आप टेलीग्राम चैनल यदि ज्वाइन कर लेंगे तो उसके बाद आपको वहां पर मैं बार बार आपको तरह तरह के वहां पर मंत्र वगैरह सब देता रहूंगा। नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में जाके देखें दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में जाके देखें आप, वहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहां पर उपाय बताते हैं। कोई भी हमारी संस्था किसी भी तरह का कोई भी पैसा नहीं लेती है, जन कल्याण के लिए संस्था चल रही है। अब दोस्तों बात करते हैं भैरव मंत्र विधि की। तो दोस्तों आपको चाहिए दो हरी मिर्ची, आपको क्या लेनी है, दो सारी हरी मिर्ची लेनी है लेकिन दोनों के साइज समान होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। एक बड़ी साइज की आपको कील ले लेनी है और एक काला कलर का मार्कर ले लेना है। क्या क्या चीज लेनी है दोस्तों, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, दो हरी मिर्ची ले लें, एक बड़ी साइज की कील ले लें और एक काले कलर का मार्कर ले लें। अब आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है मुंह करके, आपका मुंह दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। इस तरह से आप बैठ जाएं, अपने कमरे में बैठे हैं ताकि आपको कोई डिस्टर्ब न करे। आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके परिवार में कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। यदि आपको डिस्टर्ब हो रहा है तो आप रूम का दरवाजा लगा लीजिए दोस्तों। अब क्या करें, अब दो हरी मिर्ची के ऊपर काले मार्कर से दो बार शत्रु का नाम लिखें। जैसे कि एक हरी मिर्ची पे एक नाम लिख दिया शत्रु का नाम, मान लीजिए शत्रु का नाम अजय है तो आपने लिख दिया अजय, दूसरी हरी मिर्ची पे भी आपने अजय लिख दिया। लेकिन यदि शत्रु का नाम ही आपको पता नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, यदि आपको शत्रु का नाम पता नहीं है तो वहां पर केवल आपको शत्रुनाश लिखना है। पहली हरी मिर्ची पे शत्रुनाश लिखें, दूसरी हरी मिर्ची पे भी शत्रुनाश लिखें। और यदि आपके एक से ज्यादा दुश्मन है, कई लोगों के एक से ज्यादा होते हैं, मान लीजिए आपका एक दुश्मन नहीं है तो एक से ज्यादा दुश्मन है, तब भी आप वहां पर हरी मिर्ची पर शत्रुनाश और शत्रुनाश लिख दीजिए। दोनों पर, दोनों हरी मिर्चियों पर आपको शत्रुनाश लिख देना है। अब क्या करना है, अब ऐसा करने के बाद हरी मिर्ची को अपने उल्टे हाथ की हथेली में रखें। हरी मिर्ची को आपको कहाँ रखना है, अपने उल्टे हाथ की हथेली में रखना है और दोनों हरी मिर्ची जिस स्थान पर आपने शत्रु का नाम लिखा है उस स्थान की तरफ आपको ध्यान से देखना है। मनी मन आपको 11 बार बाबा काल भैरव का जयकारा लगाना है। दोस्तों ध्यान से सुने किस प्रकार आपको जयकारा लगाना है साधकों। दोस्तों एक दो तीन चार बाबा काल भैरव की जय जयकार, मैं फिर से बताता हूँ आपको, आपको क्या बोलना है, उस हरी मिर्ची के नाम को देख करके, हरी मिर्ची में जो अपना दुश्मन का नाम है उसको देख करके उल्टे हाथ में आपको हरी मिर्ची रखनी है और क्या बोलना है, 1 2 3 4 बाबा काल भैरव की जय जयकार। साथ को ऐसा करने से, ऐसा करने के बाद आपको करना क्या है, दोनों हरी मिर्च को आपके अपने सर के ऊपर से 7 बार उल्टा घुमाना है, आपको उसारना है अपने ऊपर। दोनों हरी मिर्च को ले लें, अपने उल्टे हाथ में ले लें और उल्टा घुमाएं अपने सर पे से 7 बार अपने सर पे से घुमाएं और सत्ते से घुमाकर मनी मन आपको 5 बार या 6 बार आपको बाबा काल भैरव के शत्रु विनाशक मंत्र का उच्चारण करना है। दोस्तों ये मंत्र आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, मैं टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, बिल्कुल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा और ये वीडियो का लिंक भी मिलेगा, उसके जस्ट नीचे आपको इसका मंत्र मिल जाएगा दोस्तों, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा आप टेलीग्राम चैनल। अब दोस्तों देखिए आपको मंत्र का उच्चारण क्या करना है, ओम श्री काल भैरवाय शत्रु संहाराणाय स्वाहा। ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से बोलने जा रहा हूं, ओम श्री काल भैरवाय शत्रु संहाराणाय स्वाहा, ओम श्री काल भैरवाय शत्रु संहाराणाय स्वाहा। इस तरह से आपको यह मंत्र बोलना है, इस मंत्र का आपको जाप करना है। अब आपको क्या करना है ध्यान से सुनिएगा, अब दोनों हरी मिर्ची के जिस स्थान पर आपने शत्रु का नाम लिखा था ठीक उसी स्थान पर आपको दोनों हरी मिर्ची के अंदर एक के ऊपर एक हरी मिर्ची रखें और दोनों हरी मिर्ची के अंदर आपको कील डाल देनी है। दोस्तों कील गाड़ देनी है, कील 8 बार हो जानी चाहिए मिर्ची के। अब दोनों हरी मिर्ची के ऊपर अपने घर के चारों कोनों की मिट्टी लगा देनी है। आपके घर में जो चार कोने हैं उन चारों कोनों की आपको उस हरी मिर्ची पर मिट्टी लगा देनी है। दोस्तों मिट्टी लगाने से क्या होगा, आपके घर की जो नकारात्मकता है वो सब उस हरी मिर्ची पे आ जाएगी, आपके घर में नहीं रहेगी, तो वो जो भी दुश्मन ने कुछ किया कराया करवा रखा होगा आपके घर में वो भी उस हरी मिर्ची पे आ जाएगा। और हरी मिर्ची के ऊपर आने के बाद अब आपको क्या करना है, सारी नकारात्मकता उसके ऊपर से घर के ऊपर से हट जाएगी। और ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, उन दोनों हरी मिर्ची को आप अपने घर के बाहर जहां पर चौरास्ता है, जहां पर चौराया होता है, वहां पर जहां से चार रास्ते गुजर रहे होते हैं वहां पर आपको दोनों हरी मिर्च को फेंक देना है। दोस्तों शत्रु का नाम बोलकर जो आपकी मनोकामना है, जो आपका मनोनिश्चित फल पाने के लिए आप भैरव मंत्र विधि कर रहे हैं,
वह मनोकामना बोल करके आपको सीधे घर आ जाना है और पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। दोस्तों ऐसा करने के 24 घंटे के अंदर अंदर आपका शत्रु पागल बर्बाद हो जाएगा, बीमार हो जाएगा और शत्रु बाधा से आप मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। यानी आपका शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आपके ऊपर कुछ किया कराया करवा सके या आपके बारे में कुछ सोच भी सके। इस तरह से यह मंत्र होने जा रहा है। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको बेवजह जो आपको परेशान करना है, जो बेरी आपका जो दुश्मन है, वो सारे के सारे जो है आपके हट जाएंगे और आपका जो बहुत बढ़िया व्यापार जो चल रहा था या जो भी आपका कार्य चल रहा था बहुत अच्छे से चलेगा, आप तरक्की प्राप्त करते चले जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे ये मंत्र है, आप जरूर आकर के ज्वाइन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, कोई 2 रुपये में हम नहीं लेते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर।